हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फॉर्म। तो फॉर्म को रिएक्ट जेएस के अंदर किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में आज अपन जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, मैं इस कोड को चला चुका हूं और func.jsx है उसको मैंने यहाँ पर रेंडर किया है। तो यहाँ पर अपन फॉर्म को लिखेंगे और फॉर्म वहाँ पर शो होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फॉर्म टैग को लिखते हैं और यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स अपन शो कराते हैं, इनपुट बॉक्स। और इस तरीके से इनपुट को बंद करते हैं और टाइप लिखते हैं। टाइप के अंदर बता दें, अगर एक करली ब्रैकेट जब भी आपको आता है तो करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है, क्योंकि आप करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो इनपुट बॉक्स आपका ब्राउजर पर शो नहीं होगा, ब्राउजर पर शो कभी नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि कोड के अंदर कोई एरर नहीं है, क्योंकि एरर शो होती नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा कोड के अंदर कोई एरर नहीं है, बस मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ। तो इस क्या करना है, आपको हमेशा इस तरीके से लिखना है जिससे आपका जो इनपुट बॉक्स है वो ब्राउजर पे सही तरीके से शो हो। तो इस तरीके से अपना शो होने लगता है। ये तो हो गया बेसिक, बेसिक किस तरीके से अपन इनपुट टैग लगा के कर सकते हैं। इसके अंदर एक प्लेस होल्डर दे देते हैं यूजर नेम नाम का। और अभी आपको एक चीज़ बता दूँ कि फॉर्म के साथ जो है कि आप रिएक्ट जेएस के अंदर फॉर्म के साथ आप कितना भी खेल सकते हैं, कितना बड़ा भी खेल सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ सौम्या। तो इस सौम्या नाम के फंक्शन को मैं सबसे पहले इसके अंदर एक अलर्ट बॉक्स शो कराता हूँ और यहाँ पर बॉक्स को शो करा दूँ। मैं एक फंक्शन को, आप इवेंट को दिखाना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ऑन क्लिक को दिखाऊंगा, जो कि आप पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन अभी आप देखना। पहले ऑन क्लिक को जब भी आप कॉल करेंगे, और तो मेरा जैसे ही मैं इसको इनपुट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, अपना ये अलर्ट बॉक्स रन हो जाएगा और अलर्ट बॉट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब मैं चेंज एक यहाँ पर दूसरा फंक्शन लिखता हूँ, ऑन चेंज। ऑन चेंज होने पर अपन ने इस फंक्शन को कॉल किया। ऑन चेंज क्या बताता है, ऑन चेंज होता क्या है, ऑन चेंज ये होता है कि यहाँ पे अपन ने क्लिक किया, क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अपन ने कुछ लिखने की कोशिश करी, जब कोई लिखने की कोशिश करेगा तब वो एग्जीक्यूट होगा। जितनी बार अपन लिखने की कोशिश करेंगे वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, जितनी बार अपन लिखने की कोशिश करेंगे वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। इसको अपन और डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं, तो जब भी आप किसी इवेंट के साथ काम करते हैं, जब भी किसी इवेंट के साथ काम करते हैं और उसके साथ आपने कोई फंक्शन कॉल किया है, तो उस फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट ई या इवेंट, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ई नाम से, इवेंट नाम से यहाँ पे एक वो पहुँच जाता है जिसके अंदर, अभी जैसे अलर्ट के अंदर मैंने बॉक्स शो कराया था ना, अब मैं वो वैल्यू शो कराना चाहता हूँ, जो वैल्यू आप इंटर करा रहे हैं, जो भी वैल्यू आप इंटर कराते जा रहे हैं वो वैल्यू को मैं वहाँ पर शो कराना चाहता हूँ। देखो मैं अभी करा के दिखाता हूँ आपको अलर्ट के अंदर। अभी मैं जैसे यहाँ पर मिटाने की कोशिश करूँगा ना, जी को जैसे ही मिटाऊँगा, तो देखो यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिख के आ रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मैं इसको दोबारा से एक बार करता हूँ, वो शायद मैंने उसके अंदर कर दिया, हाँ मैंने इसके अंदर कर दिया, इसके अंदर नहीं करना था, इसको इस तरीके से लिखना था तब वो सही आएगा। अब मैं यहाँ पे जैसे यस लिखता हूँ तो यस अपना यहाँ पर आ गया, ये लिखता हूँ, ये अपना यहाँ ओके करने पड़ेगा, ये लिखूँगा ये दोबारा से यहाँ पे आ गया, ये वहाँ पे आ गया, जी लिखूंगा जी यहाँ पे आ गया, ऐसे जी लिख के आ गया, ये लिखूंगा तो ये फिर से यहाँ पे आ गया है। इस तरीके से जो है अपन किसी भी इनपुट टेक्स्ट के इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू को लिखा जा रहा है उस वैल्यू का अपन कॉल कर सकते हैं, उस वैल्यू के को अपन लिख सकते हैं जिस जगह पर अपन को लिखना है। इसका थोड़ा एक अलग तरीके से यूज मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट को एक कॉल करता हूँ, यूज स्टेट को मैंने इसको इस तरीके से यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे एक कॉमा देना पड़ेगा, हो गया। तो यूज स्टेट के लिए अपन क्या करेंगे, कॉन्स्ट इसके लिए यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे सेट स्टेट इस तरीके से, और यहाँ पे यूज स्टेट फंक्शन, और अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिया, अपन ने ब्लैंक छोड़ दिया। तो इस तरीके से अपन ने किया। और अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसी सौम्या के अंदर अलर्ट की जगह सेट स्टेट कर रहे हैं, सेट स्टेट, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को दे रहे हैं।
अभी मैं आपको क्या करके दिखाने वाला हूँ, मैं आपको एक चीज करके दिखाने वाला हूँ, बहुत छोटा सा कोड है। मैं एक डिव लिखता हूँ और क्या करूँगा, यहाँ पे उस स्टेट को पास कर दूंगा जो स्टेट यहाँ पे आ रही। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो अपना इनपुट बॉक्स है उसके अंदर अपन जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट सेट स्टेट वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अपन ने सेट स्टेट को कॉल किया और सेट स्टेट के अंदर उस वैल्यू का अपन ने इंटर करा दिया। इसको अपन कुछ कलर दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ स्टाइल, और स्टाइल देने के बाद कुछ इस तरीके से मैं इसको बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर कौन सा कलर दे दूँ, मैं यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ, ब्लैक कलर का दे देता हूँ। और अभी इस तरीके से इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ उसी एस एस की वजह से ही एरर आ रही है। इसको थोड़ा सा भी हटाते हैं इस वाले को। अरे भैया कहाँ गए, सी एस एस हमेशा वेरिएबल से ही देनी चाहिए, वेरिएबल से ही सही से आती है। चलो इसको छोड़ो अभी। अभी यहाँ पे आपको यूजर नेम मैं आप जो भी मैं लिख के यहाँ के दिखाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ वो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो नीचे आ क्यों रहा है? क्योंकि अपन ने जो सेट स्टेट के अंदर उस वैल्यू को डाल दिया है और वो वैल्यू यहाँ पे अपन को शो हो रही है, उस डिप के अंदर आपको आगे शो रही। तो अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी अपन ऐसा टेक्स्ट बना सकते हैं पर उस टेक्स्ट को दूसरी जगह पे अपन किसी ब्राउजर में शो करा सकते हैं या फिर कहीं और पे अपन सेट यूज स्टेट की मदद से कहीं पर भी शो करा सकते हैं। तो फॉर्म के साथ खेलना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन फॉर्म के साथ खेलने के इतने तरीके हैं ना कि आपको करते करते अड़ जाएंगे। जैसे मैं आपको एक करके और दिखाता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। एक चीज़ का आपको जानना बहुत जरूरी है कि मैं अभी जो भी पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझेंगे कि जो है पहले इसको सबमिट लिखता हूँ। तो अभी मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ, मैं इसको जो भी लिखता हूँ यहाँ पे नीचे आ रहा है, और मैं इसको जैसे ही सबमिट करूंगा तो सबमिट करने के बाद देखो गायब हो गया। मैंने यहाँ पे जो भी लिखा जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया ये गायब हो गया। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ गायब ना हो, सबमिट तो कर दूँ लेकिन चीज़ गायब ना हो। तो ये कैसे करेंगे, तो इवेंट के अंदर ही एक और होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट करके एक फंक्शन होता है, उसको कॉल करना। मैंने आपको पहले इससे पहले जब इवेंट जब पढ़ाया था उसके अंदर ही मैंने बताया था कि बहुत सारे इवेंट हैं, आप हर एक इवेंट को रट नहीं सकते, जितने आपको यूज होंगे उस हिसाब को आपको यूज करना पड़ेगा। फिर उस फॉर्म टैग के अंदर अपन क्या करेंगे, ऑन सबमिट होने पे ऐसा ही बताता है कि जब भी आप सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो उस समय मैं सौम्य फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अभी आप देखना यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, जो भी वैल्यू है यहाँ पे इस तरीके से लिखी, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद इनपुट के अंदर जो वैल्यू थी वो वैल्यू गायब नहीं हुई, इनपुट के अंदर जो वैल्यू थी वो वैल्यू गायब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि अपन इस जगह भी सौम्य फंक्शन को कॉल किया और इस जगह भी अपन ने सौम्य फंक्शन को कॉल किया, लेकिन डिव के अंदर नहीं किया है इसीलिए इस जगह की वैल्यू जो है वापस से जा रही है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से अपन को इनपुट की वैल्यू को रोक के रखना है उसको, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है सबमिट का कि वो उस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू उसको इरेज कर देता है, उसको अपन को दूर करना है। तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। एक उस तरीके मैंने आपको बता दिए इसके फॉर्म के साथ खेलने के, लेकिन आपको एक तरीका वो बताता हूँ कि ये जो अपन फॉर्म को पढ़ रहे हैं या किसी भी टॉपिक को अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, तो ये सर मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ईच एंड एवरी टॉपिक को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी प्रोजेक्ट में एक साथ आप लगा देंगे, आप मैं जो मिनी प्रोजेक्ट है रिएक्ट जेएस मिनी प्रोजेक्ट की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी कि एक एक करके कैसे अपन ने हर एक टॉपिक के अलग अलग प्रोजेक्ट बना के रखे हैं, और कई तो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर दो दो तीन तीन टॉपिक एक साथ यूज हुए हैं। तो मेरा ये जो प्लेलिस्ट है बनाने का जो मेन एम था वो ये था कि सबसे पहले आपको सारे टॉपिक के रिएक्ट जेएस के जो मेन रूल हैं, कौन सी चीज़ किस तरीके से यूज की जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज की जाती है, कहाँ पे लिखने से एरर आ जाती है, किस जगह पे अपन को लिखने से बचना है, किस जगह पे नहीं लिखना है, किस जगह पे फ्रेगमेंटेशन का यूज करना जरूरी है, तो वो सारी चीज़ें बताना मेरा मेन एम था, जिससे आपको कोड करने में कभी दिक्कत नहीं आए। क्योंकि रिएक्ट जेएस मैंने आपको बताया सिंपल है, बहुत सिंपल है,
लेकिन सिंपल चीज़ें कभी कभी कॉम्प्लेक्स तब हो जाती हैं जब अपन उसको थोड़ा सा भूल जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसी तरीके से फॉर्म के अंदर बहुत सारे इवेंट का अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज तभी करेंगे जब उनकी एक एक करके यूज मतलब उनकी ज़रूरत पड़ती जाएगी। अभी जैसे अपन ने वन चेंज का देख लिया, वन सबमिट का देख लिया, अभी अभी अगर जब मैं रिएक्ट आउटर पढ़ाऊँगा तो फॉर्म के अंदर फिर और तरीके से यूज होना अलग अलग तरीके से हो जाता है। तो जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें इसमें बढ़ती चली जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।